हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में रविवार को हिमलहुआ मार्ग स्थित विवाह घर में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने शिरकत की। अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार का परचम लहरा तो बेरोजगार नौजवानों को सर्वप्रथम वरीयता दी जाएगी, कानून व्यवस्था को व्यवस्थित कर महिलाओं की सुरक्षा और अधिक की जाएगी। उन्होंने ओबीसी पर हमला करते हुए कहा, जिस तरह बंगाल में सूपड़ा साफ हुआ है उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय इसका जवाब देगी। आपसी मतभेद भूलकर पार्टी जिसे भी टिकट दे उसका पूरा सहयोग करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है ताकि प्रदेश में शांति कायम हो सके। इस मौके पर पूर्व विधायक अंबेश कुमारी, अनिल अहिरवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्पेंद्र यादव, लोहिया वाहनी के राष्ट्रीय सचिव सत्यपाल यादव, दीपक यादव, इस्लाम शेख, जिला उपाध्यक्ष तफसील सिद्धि, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सुनील, सविता, रविंद्र कुमार तोमर, कलच ठाकुर, गुलाब भाई आदि मौजूद रहे। मौलाना जी, आज आपका मीटिंग में आने का क्या उद्देश्य है? मेरा मीटिंग में आने का उद्देश्य ये है कि मैं नंबर एक तो बुंदेलखंड का आदमी हूँ, यहीं की पैदाइश है मेरी, रहता लखनऊ हूँ, और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का पद दिया है, तो मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले अपने बुंदेलखंड में हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दूँ, भाईचारा, मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब पर जिंदगी गुजारने के इन्हें दर्श दूँ कि आप लोग मोहब्बत के साथ रहें और आपस में किसी किस्म का कोई विरोध और फसाद और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल कर यहाँ रहें। एक तो आने का ये उद्देश्य है, दूसरी ये कि 2022 है और ये इलेक्शन है, हमारे सामने वैसी जैसे लोग बहुत से घूम रहे हैं हमारे मुसलमानों को वरगलाने के लिए, वोट काटने के लिए, जो ये कहते हैं कि हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये नूना कुश्ती जो है तो अब मुसलमान समझ गया है कि ये कुश्ती बीजेपी और वैसी में नूना कुश्ती है, न वो 100 सीटों में हुकूमत बना पा रहे हैं और न बीजेपी को उखाड़ पा रहे हैं। मेरी गुजारिश वैसी साहब से ये है कि अगर आपको बीजेपी से इतनी ही चिड़ है तो आप हमारी समाजवादी को सपोर्ट कर दीजिए ताकि 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाए और बीजेपी जो है तो यहाँ से सफाया हो जाए, ये हमारा कहना है। मौलवी जी, आखिरी सवाल, जिस समय आप पूज्य स्वामी जी की समाधि पर गए तो उस समय जो आपने एक मिसाल दी है, तो आपको उस समाधि पर जाके कैसा महसूस हो रहा था? एक ऐसा है कि कोई भी समाधि हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये आस्थाओं की चीज़ें हैं और आदमी हर दिल में, हर इंसान के, हिंदू हो या मुस्लिम, सबके दिलों में भगवान रहता है। अगर दिल साफ है तो किसी जगह खड़े हो जाइए तो बहुत सुकून मिलता है। वो वैसे आए तो कितनी सीटों पर लगे? सीटों के गठबंधन करने का ठेका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है और वो कितनी देंगे और ये कितनी लेंगे तो ये तो वो जानेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने ये कह दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि हर छोटे दल से हमारा प्रयास होगा कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े और बीजेपी को खड़ा देंगे। सर, अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो किन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, जमीनी स्तर पर या जो सीधे आ रहे हैं उन लोगों को, किस तरह से टिकट देखेंगे आप? नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश चला आ रहा है बीजेपी के। हमीरपुर से यूपी 24 न्यूज के लिए विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की रिपोर्ट।